सो मैं अपनी जगह तो ना कभी टलूंगा खुदा बंद सब खड़े हो जाएंगे और अपनी तरतीब को सही करेंगे, अपनी लाइनों को दुरुस्त करेंगे। आप थोड़ा आगे हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदावन की तारीफ करेंगे। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद यो सस्तिया विच जिड़ा साडा है खुदा, दे मदद यो सस्तिया विच जिड़ा साडा है खुदा, इसलिए कुछ डर नहीं बावे जमी जावे पावे विच समुंदर पैरी जा, सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समुंदर पैरी जा, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, बिखर गई रब ने जदो कीती सदा, धरती सारी बिखर गई रब ने जदो कीती सदा, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, इक नदी है दारा जी दिया शहर नू खुश कर दिया, इक नदी है दारज दिया शहर नू खुश कर दिया, पाक रब दे मस्कना नू जिसका मालिक है खुदा, पाक रब दे मस्कना साडे नाल है, जो यहोवा
सरों को झुकाएंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे सारे वक्त के लिए, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये बहुत खूबसूरत वक्त है कि हम खुदावन की हजूरी में अपने लबों को खोलें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी दी हुई नेमतों की, बरकतों की, बख्शिशों की उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। वो हमारी ज़रूरत से कहीं बढ़कर हमें अता करता है। शुक्रगुजारी करें, खूब शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, खाने पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए, चलने फिरने के लिए, ख़ास तौर पर तंदुरुस्ती के लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया पानी से चले गए हैं, जो खुदावन में सो गए हैं। उसने हमें ज़िंदगी दी है, वो इस ज़िंदगी से चाहता है कि उसके नाम को जलाल मिले। अपने लबों को खोलें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। जब खुदा ने इसराइल को मिस्र में से निकाला तो कहा कि इनको जाने दो, मूसा से कहा कि बादशाह को कहे कि इनको जाने दो ताकि ये मेरी तमजीद करें, हम्द करें, तारीफ करें। आज वो हम सबसे भी यही चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने हमें हर दुख से, तकलीफ से निकाला है कि हम उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। हम खुदावन से तो बहुत कुछ मांगते हैं अपने लिए, लेकिन आज उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ के लिए उसे अपने लफ्जों से भर दें, उसकी हजूरी में उसके नाम को जलाल दें। प्रेज़ गॉड। हम मांगने के लिए तो अपने लबों को खोलते हैं, अपने आंसू बहाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करें, आंसुओं से भर जाएं, उसकी हम्द करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने हमें तंदुरुस्ती दी है, तूने हमें देखने के लिए आंखें बख्शी हैं, सुनने के लिए कान बख्शे हैं ताकि तेरे कलाम को सुन सकें, तूने हमें दिल बख्शा है ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिल में रख लें, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि तूने हमें हाथ दिए हैं कि हम हाथ बढ़ाकर तेरे कलाम को पढ़ें, सुनें और उस पर अमल करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं जो खुदावन ने हमें दे रखी हैं, उसकी शुक्रगुजारी करें। आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें बहुतों से अजीज जाना है और उसने हमें ये फजल बख्शा है कि आज हम उसकी मेज़ के पास आएं, उसकी फसा में शामिल हों, उसकी यादगारी के लिए इकट्ठे हों, उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।
Praise God. Praise God. Oh, Rabba Shanta Zarala Rakata Rabba Zaroloko Torozo. Oh, Rebere Rabarabakata Barala Katara Zobalo Rokotoro Show. Oh, Rasanala Yarala Rakata Rabba Ziarala Rakatara She. Hallelujah, hallelujah. Praise God, oh, Rabakaba Shalara Katara Zo. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Pyaasi hai. Yeah.
उसी रूह में हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और उसकी प्रस्तिश करेंगे। तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू किला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू किला है हमारा। गिरा जब भी तूफानों में जीवन, गिरा जब भी तूफानों में जीवन, तेरे लहू को हमने पुकारा, तेरा लहू बना है हमारी, गिरा
सरों को झुकाएंगे और अपने आप को इसी रूह में होते हुए कलाम के लिए तैयार करेंगे कि खुदावंद आज हमसे बोले, हमसे हम कलाम हो। आज हमारी ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद अपने बंदा के वसीला से हमसे बोल, हमसे हम कलाम हो, ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो जाती रहें। तो अपने दाहिने हाथ को बढ़ा और हमारे दिलों की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना, ताकि इस पर कलाम का बीज बोया जाए, वो 100 गुना फल लाए। मांगे खुदावंद से कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे नया ज़ोर मिले, नई कुव्वत मिले, क्योंकि उसके पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौकटों पर ठहरा रहता है। आए उसके दरवाजे की चौकटों पर ठहर जाए, उससे मांगे, खुदावंद तू बोल, आज मैं सुनती हूँ, सुनता हूँ। कहें उससे, खुदावंद आज तेरा कलाम मेरे दिल में 100 गुना फल लाए। पुकारें खुदावंद को, क्या खुदावंद हम तेरे बगैर कुछ नहीं हैं। उसका बंदा कहता है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। मांगे मांगे, या खुदावंद मुझे हिकमत दनाई और फहम बख्श दे, अपने बंदा सुलेमान की तरह, कि मैं खुदावंद तेरी राज से हरगिज़ ना हटूँ। मांगे उससे, कहें उसे, ऐ खुदावंद मुझे हिकमत दनाई और फहम बख्श दे। उसके बंदा ने मांगा तो खुदावंद ने उसे अता किया, उसे हिकमत और दनाई से भर दिया, ताकि वो पूरी कौम का इंसाफ कर सके। मांगे कहें, ऐ खुदावंद तू मुझे दे, मुझे हिकमत दनाई और फहम दे, ताकि मैं तेरे कलाम के आयन को सीख सकूँ, मैं तेरे ज़ोर में ज़ोरावर हो सकूँ। ऐ खुदावंद तू मुझसे बोल। मांगे मांगे खुदावंद से, पुकारे खुदावंद को, उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, वो आपकी तड़प के मुताबिक आपको देगा, वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपसे कलाम करेगा, वो आज बोलेगा और बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, उसके बोलने से पानी थम जाते हैं, उसकी कुदरत से तूफान थम जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मांगे उससे, कहें खुदावंद तू मुझसे बोल, मुझसे हम कलाम हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के सारे वक्त के लिए, कि हमने तेरी मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंदों के खुदा तेरे हजूर प्रस्तुति की है। इसी तरह खुदावंद जब ख़ास वक्त है तेरे कलाम को सुनने का, तो बख्श दे कि हमें खुदावंदों के खुदा सुनने वाले कान अता कर, कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि खुदावंद हम तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करें। यीशु नाम के वसीला से खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों को जानता है, तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है खुदावंद, तो अपने जलाल को ज़ाहिर कर खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, बैठी जानों के लिए, एक एक के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे और खुदावंद तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। मैं तेरे जिंदा और जलाली यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं खुदावंद के खादम को दावत दूंगी। एक और दुआ करेंगे इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, आप सर को झुकाएंगे और स्पेशली ख़ास हम दुआ करेंगे एम वर्ल्ड के लिए, जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं 30 दिनों में। और आज का दिन यीशु मसीह जो यरूशलम में मौजूद थे और उन्होंने यरूशलम में आना इसलिए पसंद किया क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक उस काम को
जिसके लिए वो बेचे गए थे पूरा करने को थे। इंसान की निजात के मंसूबे को जो खुदा की तरफ से था उसकी तकमील वो करने वाले थे। सो आज हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह ने एक यादगार को सेलिब्रेट किया है, एक यादगार अपने शागिर्दों के साथ फसा खाई है उसने, और जिसका आगाज मिस्र में हुआ, और खुदावन का फसा की ईद का हुक्म देना और ये इबादत राइज करने का एक मकसद था जो खुदावन ने इसराइल के लिए रखा था। सो उसी मकसद में यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया, और फिर उसी मकसद में यीशु के वसीला से पूरी दुनिया को एक नया मकसद मिला है। स्वयं दुआ करेंगे, मेरे पास साबर से गवाएं, दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे नहायत ही बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो हमारा खुदावंद है, हमारा निजात देने वाला है। हालेलुया। ए बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने जहान से ऐसा प्यार किया कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मुनजी निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के लिए। वो सिर्फ किसी एक कौम कबीले के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इस दुनिया में आया, सारे जहान के लिए इस दुनिया में आया। उसने अपना कीमती खून बहाया है। ऐ खुदा बाप, तू सारी दुनिया से प्यार करता है, दुनिया के तमाम इंसानों से प्यार करता है, और तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस बोझ के लिए जो तूने अपने खादिम को दिया है, और उन तमाम खादमीन के लिए जो खुदावंद इस रोया को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। खुदावंद इरशाद आज़म की तकमील के लिए, खसूसन खुदावंद एम वर्ल्ड के लिए हम दुआ करते हैं, और खुदावंद हम दुआ करते हैं उन तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए, उन तमाम खादमों के लिए जो खुदावंद इस बोझ को लेकर चल रहे हैं, उनकी तमाम मिनिस्ट्रीज के ऊपर, उनकी खिदमत के ऊपर खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं। तू उन्हें हिकमत दे, दानाई का रू दे, ताकि खुदावंद बड़ी ही हिकमत के साथ, सोच और समझ के साथ खुदावंद वो इस काम को आगे बढ़ाएं। और खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं अपने पाक रूह के वसीला से उन्हें जोर दे, कुव्वत दे खुदावंद, और जो भी हिकमत अमली बनाए वो तेरी तरफ से हो, क्योंकि खुदावंद जो काम तेरी तरफ से शुरू होता है उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, और खुदावंद इस इबादत के बाकी मानदा हिस्सा में भी हम तेरी मदद और रहनुमाई मांगते हैं। अपने बंदा की बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, आमीन। सो ये बच्चे जो है, सारे बच्चों के लिए ताली बजाएंगे, बड़े ताली बजाएंगे बच्चों के लिए, आमीन। तो सारे बच्चे जो है, जो बच्चे हैं नीचे चले जाएं, चलें, उठे उठे मत, जल्दी 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 जल्दी, गुड, वेरी गुड, चलें सारे बच्चे। चल मैं बताता हूँ मिकल को, चल चलें, जगह खाली होगी, आगे आगे हो जाए जरा प्लीज, चलें। सो आज हमारे दरमियान में भाई स्टीफन हेगार हैं, हम उनको जानते हैं जो खास तौर पर एक बड़ा बोझ रखते हैं मिशन के काम के अंदर। सो हम उनको भी वेलकम करते हैं तो तालियों में भाई स्टीफन को, जो सो पांच मिनट के लिए बुलाऊंगा उनको। भाई स्टीफन, कैन यू कम पांच मिनट के लिए, क्योंकि स्पेशली वो हमारे साथ एज अ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हम पार्टनर वो अंजीले हैं, और अंजीले मुकद्दस किताबी सूरत में एसटी कार्ड हमें प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम जिस तरह भी खुदा की मर्जी है, खुदा के रूह की तहरीक से
और हम फिर उसको उन कौमों तक, उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं. सो हम उनके शुक्रगुजार हैं. सो इफ यू कैन से समथिंग फ्यू वर्ड्स. आसमानी बाप की तरफ से और उनका बेटा यीशु मसीह सलाम. रूल कुटस हमारी रिफाकत हैं आपस में. और जब हम देखते कि यीशु मसीह 99 बेर जोड़ते हैं, एक बेर के पीछे बाहर जाते हैं. और यूहन्ना की इंजील में 14 बाब में लिखा है कि इस दीवार से बाहर भी बेर है जो अभी बेर खाना में नहीं है. तो वो आजकल भी ज़रूरी है कि हम जो मुसलमान भाई इनको हम ना भूलें. ठीक है, उनका रमज़ान है, हमारा फसा की वीक है. और मैं थोड़ा सा अपडेट देता हूँ. अब इस पिछले साल की जो प्रिंटिंग हमने किया था और डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं बहुत खुश था कि क्रिसमस के वक्त आप लोगों ने, नौजवान ने, सीरो पॉइंट से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक इन लोगों को चलूस के जरिए से लोगों को दे दिया. कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं. लेकिन आजकल पाकिस्तान में बहुत से दिल खुला है खुशखबरी के लिए और हमें पता नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम अपने ग्रुप के अंदर बैठे हैं. मैं तो पूरे मुल्क में इधर उधर, रहीम यार खान से पेशावर तक मैं इधर उधर जाता हूँ मोटरवे में. और जिसको मैं एसटी कार्ड्स मैं देता हूँ खुशखबरी, मैं इस तरह उनको देता हूँ छोटे छोटे ये कार्ड्स, 8 GB अपना फ़ोन में डालते. तो वो मुझे याद करते 6 महीने के बाद, कहते आपने 6 महीने पहले मुझे दिया, हमने सारे कहानियाँ सुना है. ये वही चीज़ है जो हम बचपन से इसका इंतज़ार में थे. बेशक हम मुसलमान हैं लेकिन हम पसंद करते हैं. तो ये अभी इस वक्त कुछ इस तरह है. जो फंडिंग आ रहे हैं वो हमेशा महदूद है. आप दुआ करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिले, पैसे इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए. मैं कोशिश करता हूँ हर हफ्ते में 1,000, लेकिन डिमांड है पूरे मुल्क में. और आजकल ये इस तरह है, लोग कुछ गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसको बाज़ार में सेल करते हैं. यहाँ तक के पादरी साहब भी इस तरह करते हैं. बहुत जुल्म है, नहीं करना. तो अभी हमने इसको मशीन के साथ लॉक किया. जो इसके अंदर बाइबल है, ऑडियो बाइबल है, यीशु मसीह का फिल्म है, सारे मटेरियल लॉक किया. इसमें फ़ायदा ये है कि लोग डिलीट नहीं कर सकते. लेकिन इसका दूसरे पहलू ये बात है कि वो फिर हर एक फ़ोन के अंदर नहीं चलते. कुछ फ़ोन हैं जो कहते हैं कोई भी हक कार्ड नहीं है, तो लोग इसको मजाक समझते हैं, फेंकते हैं. माल मुफ्त दिल बेरहम कार्ड फेंकते हैं तो हमारा बहुत नुकसान है. तो आपने ऐसे करना आइंदा में, जो भी मैं अभी देता हूँ आपको कार्ड्स देते रहता हूँ, आपने इसको, इस बंदे को जो मुतलाशी है, इसके साथ साथ फ़ोन में डालना है और चेक करना है वाकई चलता है या नहीं चलता है. ये थोड़ा सा टाइम लगता है. वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो फिर नुकसान है. ठीक है, इसको देना, बैठ के देखना और इसको कहना कि महीने के बाद ज़रूर पूछना कि क्या सवालात है मसीह के बारे में, ताकि वो वापस आ सकता है. इससे बेहतर है कि हम कम देंगे और ख़ास लोगों को देंगे. उनके लिए दुआ करना, मसीह के नाम लेकर यीशु नाम में दुआ करना कि उसका दिल खुल जाए, फिर उसको काट देना और फिर उसको महीने के बाद पूछना. दूसरी बात, वो जो किताबें हैं, अभी सिर्फ आपके पास कुछ रह गया पिछले साल का, वो सारे तकसीम हो गया 40,000 पूरे मुल्क में. और आप दोबारा प्रिंटिंग हो रहे हैं, प्लीज़ इसके लिए आप दुआ करें. क्योंकि इसमें अच्छी प्रिंट तो था, पतला सा किताब है, बाइबल पेपर है, लेकिन इसमें बहुत से आपने बहुत मेहनत की है मेरे साथ. लेकिन जो अभी हम प्रिंट कर रहे हैं वो थोड़ा सा मोटा होगा दोबारा, लेकिन इस्लामाबाद में होगा. ठीक है, अभी इस्लामाबाद में होगा 10,000. प्लीज़ आप दुआ करें, अभी ही प्रिंटिंग हो रहा है, महीने के अंदर दोबारा तैयार होगा. ठीक है, तो हम ख़ास इस रोज़ा के दौरान, रमज़ान के दौरान, मैं ऑफर देता हूँ फेसबुक के थ्रू. लोगों को पूछता हूँ तो वो मुझे अपना एड्रेस भेजते हैं, फ़ोन नंबर भेजते हैं, और मैं उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू इनको एक 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 पहुँचाता हूँ पूरे मुल्क में. और इस बीच से 2 हफ्ते मैंने 42 किताबें इफरादी तौर पर लोगों को पहुँचाया. तो वो घर में मिलते हैं, फिर पढ़ते हैं और रूल को तो काम करते हैं, फिर वो ईमान रखते हैं. बेशक वो हमारे चर्चेस में नहीं आ सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत से लोग हैं, बहुत तादाद है जो अभी बचाया हुआ नहीं है और उनका भी यीशु मसीह नचाते हैं. ठीक है, और ये हमारा मिशन है. और आप कर सकते हैं, इनको एक एक इनको देख कर तकसीम करें. ये सिर्फ 3 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है. ठीक है, इनको बताना कि ये हसरत ईसा की पूरी ज़िंदगी, पूरी कहानी है, इंजील है. जिस तरह उन्होंने मस्जिद से सुना है एक इंजील होता है, ये मुकम्मल इंजील है. ठीक है, उनको ये देना खुशी से. और उनको कहें कि आपने खुद पढ़ना,
फिर आपने सवाल पूछना है, ठीक है? और आप दुआ करें कि हम इसको सियाता से सियाता ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह में चर्चेस के थ्रू प्रिंट कर सकते आहिस्ता आहिस्ता, ताकि गलत प्रिंट ना हो, थोड़े प्रिंट लेकिन सही होना चाहिए, क्वालिटी सही होना चाहिए, क्योंकि ये मुकद्दस किताब है, ठीक है? तो ये क्वालिटी सही होना चाहिए, प्लीज हम इसके लिए दुआ करें, ठीक है? आमीन, 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 थैंक यू। बैठे इधर, इधर इधर बैठो, बस भाई प्लीज आ जाए, आज नहीं नहीं प्लीज यहाँ बैठे प्लीज आ जाए। आमीन, जैसे बोले आमीन, प्रेज गॉड, आमीन। सो आज की शाम हम सब जमा हैं ताकि हम खुदावंद की एक और यादगार को सेलिब्रेट करें। और आज कौन सा दिन है? आज दिन कौन सा है? जुमेरात है। सो इस दिन हम एक यादगार सेलिब्रेट करते हैं जो एनुअली है, सालाना है। और वो कौन सी ईद है जिसे हम इन दिनों में सेलिब्रेट करते हैं? कौन सी है? जोर से बोले, कौन सी है? ईद फसा, पास ओवर फेस्टिवल। तो ये हम इन दिनों में ईद क़यामत अल मसीह के इन सारे दिनों के अंदर हमने पाम संडे को सेलिब्रेट किया। अब द सेकंड वन है, वो है ईद फसा या पास ओवर फीस्ट। सो इसके बाद हम कल गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे और फिर उसके बाद जो ईद क़यामत अल मसीह की खास इबादत है यस्सु के जी उठने। तो यस्सु जी उठा है, आमीन। तो यस्सु के जी उठने की हम सेलिब्रेशन करेंगे, फतह के गीत गाएंगे और उसके नाम को जलाल देंगे, आमीन। प्रेज गॉड। सो क्योंकि आज का त्यौहार यादगार है जो यस्सु मसीह ने भी सेलिब्रेट की अपने शागिर्दों के साथ, और हम कहते हैं आखिरी फसा। यस्सु ने अपनी शागिर्दों के साथ आखिरी फसा सेलिब्रेट की, आखिरी फसा खाई है, आमीन। सो बहुत सी यादगार हैं जो हम दोहरा रहे हैं। इस ये पहली यादगार, ये पहली ईद थी, ये पहला फेस्टिवल, ये पहले फीस था जो खुदावन ने मूसा के वसीला से इसराइल को करने का हुक्म दिया। और फिर ये भी हुक्म दिया कि तुमने हर साल इसको पहले महीने में, इसको इन दिनों में इसको ऑब्जर्व करना है, यादगारी के तौर पर, पहले क्या ईद के तौर पर, पहले क्या रस्म के तौर पर इसको मानना है, पहले क्या इबादत करनी है। ये इबादत है, मैंने ये ईद है, ये इबादत है, ये रस्म है और ये यादगार है, आमीन। सो ये सारी बातें इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं और ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। खुदावन ने खुद कहा कि ये ईद, ये त्यौहार, ये यादगार, ये जो फेस्टिवल है, इसको तुमने सेलिब्रेट करना है, इसको हर साल मुय्यन वक्त पर इसको मनाना है, आमीन। तो बोले आमीन, आमीन, बोले आमीन, प्रेज गॉड, आमीन। सो आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सो अच्छा लग रहा है, आमीन। लेकिन इस वाले हिस्से को देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो ये कहाँ है? सो दुआ करें कि ये हिस्सा भी बड़ा रहे, आमीन। इस तरफ, इससे हाथ में हाथ बढ़ाएं, इस तरफ कहें खुदावंद इस हिस्से को भरना शुरू कर दे, आमीन। उसे बोले आमीन, प्रेज गॉड। सो ये हिस्सा अक्सर खाली रहता है, आमीन। सो आए हम इस हिस्से के लिए बाकायदा दुआ करना शुरू करें कि इस हिस्से में भी लोग जो है वो आए, जो मर्द हजरात आना शुरू हो जाए, आमीन। सो खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने आज के दिन के एतबार से इस ईद फसा के मौके पर कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ, आए सब सुने गौर से। सो खुरूज की किताब उसका 12वां बाप और 12वें बाप की पहली आयत से हम पढ़ेंगे इसको। सब जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो जरूर निकाले मेरे साथ। खुरूज की किताब उसका 12वां बाप और 12वें बाप की पहली 12 आयत लिखा है, फिर खुदावंद ने
ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، پس اسرائیل کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اس مہینے کے دسویں دن ہر شخص اپنے ابائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، یہاں پہ خاندان کا ذکر ہے، ہر خاندان، ہر شخص اپنے ابائی خاندان کے مطابق ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کھانے کو کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ اس کے گھر کے برابر رہتا ہو، دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برلا لے رکھیں۔ ہمسائے کے ساتھ مل کر یہ عید سیلیبریٹ کرنی ہے۔ آمین، مجھے بولیں آمین۔ کس کے ساتھ؟ کون سا ہمسایا؟ جو ساتھ والے گھر میں رہتا ہے۔ صرف وہی ہمسایا ہوتا ہے یا اور بھی کیوں ہوتا ہے؟ کون ہمسایا ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے تمثیل سنائی تھی، میں اس میں تمثیل میں نہیں جاؤں گا۔ یسوع مسیح نے تمثیل ایک سنائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ نیک سامری کی تمثیل ہے۔ تو اس میں ہمسایا کون تھا؟ جس نے اس کی، جو اجنبی تھا، جو اس کا ناواقف تھا، اس نے اس کی تیمارداری کی، اس کو اس کے لیے پیسے بھی اپنے جیب سے دیے اور اس کی دیکھ بھال بھی کی، اور اس کو اٹھا کر کہاں لے گیا؟ ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ تو ہم یسوع نے کہا وہی ہمسایا ہے نا۔ تو ہمسائے کا کنسیپٹ، ہمسائے کا جو میننگ ہے، جو بہت بڑا ہے نا، صرف وہی نہیں ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ ہمسایا وہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے ہمسائے ہیں اس ملک کے اندر جن کو ہماری ضرورت ہے۔ آمین۔ ہم نے پیغام سنا ابھی 5 منٹ پہلے کہ بہت سے ہمسائے کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمسایہ کسی قوم سے کسی فرقے سے نہیں ہے، ہمسایہ ہے جس کی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت روحانی بھی ہے، وہ ضرورت جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ آمین۔ دوستو بولے آمین۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کے مقدار کے مطابق برہ کا حساب۔ یہ دروازہ بند کر دیں، مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ سامنے سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ باہر کھڑے، اندر آ جائیں، جگہ ہے، اندر آ جائیں، بھی امر اندر آ جاؤ، سارے اندر آ جاؤ۔ یہ دروازہ بند کر دیں، ڈسٹربنس ہو رہی سامنے سے نا، بالکل۔ وہ لوگ آتے جاتے ہیں، میرا دھیان جو ہے وہ۔ سو تیسری آیت، پانچویں آیت، تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیل کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء میں آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی باقی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمرے باندھے، اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے، اپنی لاٹیاں ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پہ لوٹوں کو جو ملک کے مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، اور تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ آمین۔ اس میں آمین۔ پھر دوسرا ایک حوالہ پڑھیں گے، زبور 105 کی 37 آیت، یہ
लंबा, लेकिन मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा। जबूर 105 की 37 आयत में लिखा है, साम 105:37 यहां पर लिखा है, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया। कौन? खुदा। कौन लाया? और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके यानी इसराइल के कबीलों में से, कितने कबीले थे? ऊंचा बोले, कितने कबीले थे? 12 कबीले। लेके और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी न था। आमीन। उसे बोले आमीन। प्रेज गॉड। उसे बोले आमीन। आर यू रेडी? पंखा चला दें, एक गर्मी लग रही है, एक पंखा चला दें। मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन आकर लग रही है आपको? नहीं लग रही, रहन दो। अच्छा जी, चले जी। सुने कलाम गौर से, प्रेज गॉड। सो मैं सिर्फ थोड़ी देर बात करने वाला हूं। इदेफसा दो मसलों का हल पेश करती है। इदेफसा द पासओवर ऑफरिंग टू रेमेडीज, दो मसलों को हल पेश करती है। ईद फसा, कभी आपने इस तरह ईद फसा को स्टडी किया, इस तरह फिर ईद फसा को देखा है कि ईद फसा के अंदर, ईद फसा के अंदर मसलों का हल है। ईद फसा के अंदर हमारे मसलों का हल है। आज शाम इस ईद फसा पर, आज के दिन मैं सिर्फ दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, दो बातें और दो मसले हैं, दो मसले और उनका हल है जो इस ईद पर खुदा ने किया है। आमीन। उसे बोले आमीन। आपके और मेरे खुदा पर, खुदा के पास हर एक मसले का हल है। आमीन। उसे बोले आमीन। दुनिया के देवताओं के पास हल नहीं है, लेकिन हमारे खुदा के पास सारे मसलों का हल मौजूद है। उसे बोले आमीन। उसे बोले आमीन। Praise God। आज की दुनिया एडवांस्ड, आज की दुनिया जो हम देखते हैं, डिजिटल वर्ल्ड, साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, और आज की दुनिया में, आज की दुनिया में लोग बहुत से पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं ना, पैकेजेस की बात करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बोले सारी करते, बोलते नहीं पे है ना, करते नहीं करते? इंटरनेट पैकेजेस है ना, करते हैं कि नहीं? कब कब करते हैं? महीने बाद, एक हफ्ते बाद है जी, एक हफ्ते बाद पैकेजेस, पैकेज इस्तेमाल होता है ना, खत्म हो जाता है, फिर नया है ना, फिर कोई महीने बाद करता है, फिर नया है ना। पैकेजेस, हम पैकेज इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम बहुत दफा, अगर आपने टीवी देखा है तो टीवी के ऊपर आपको ईद पैकेज नजर आता है ना, आता कि नहीं आता? अच्छा, बहुत सी जो कंपनीज हैं, बहुत से जो अदारे हैं, बहुत से जो रेस्टोरेंट्स हैं, हम देखते हैं कि वो हर ईद पे पैकेजेस या डील्स है ना, वो पेशकश करते, ऑफर करते हैं, करते कि नहीं करते? पैकेजेस का की ऑफर की जाती है, डील्स की ऑफर की जाती है, और हम देखते हैं कि हर एक पैकेज में, हर एक डील में, जो डील पेश की जाती है, जो डील ऑफर की जाती है, उसमें एक से ज्यादा फायदों की बात होती है। अगर इंटरनेट के पैकेज की बात है तो उसमें कॉल और एसएमएस और इंटरनेट, ये तीन चीजें एक पैकेज के अंदर आपको ऑफर की जाती है कम रेट में, ऐसी बात है? बोले आमीन। बोले आमीन। फिर ईद पे मार्केटिंग की जाती है, होटल्स वाले अपने फ्लायर्स तकसीम करते हैं, एड्स देते हैं, क्या एड्स देते हैं कि ईद पे क्या होने वाला है, और जो शॉपकीपर है, जो गारमेंट्स के जो बड़े बड़े स्टोर है, मॉल्स है, वो ऑफर देते हैं, क्या देते हैं कि हमारी जो है ना, गेट क्या कहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री है ना, एक ले लो एक फ्री ले लो है ना, कई जगह दो फ्री हो जाते हैं ना। So, ये बहुत सी ऑफर्स हैं जो इस दुनिया में रहते हुए लोग देते हैं,
दुकानदार देते हैं अपनी चीज को सेल करने के लिए, अपनी चीजों को बेचने के लिए लोगों को ऑफर दी जाती है ताकि लोग ले उन चीजों को। और हम देखते हैं जब जब ऐसी ऑफर दी जाती है, ऐसे पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, ऐसी डील्स दी जाती है, लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी लेते हैं कि वो लेते हैं, पैकेजेस लेते हैं, डील्स इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग्स लेते हैं जहां पे सेल लगी हुई है और जाते हैं ये डील इस्तेमाल करते हैं। और बहुत दफा हम देखते हैं कुछ लोग तो डील का इंतजार कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना, कदों शॉपिंग कदों सेल लगेगी जे डॉट पे, हैं कब लगेगी साया पे, और कड़ी ब्रांड है बोले बोले कौन कौन सी, इंतजार करते हैं ये सेल लगेगी तो हम लेंगे जाके। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, सो इसमें बोल रहे अपने आप को कमतर या समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इस दुनिया में पैकेजेस डील्स की ऑफर दी जाती है और लोग हम सब उनका इस्तेमाल करते हैं, हम उन सब को लेते हैं, हम उन पैसे दे के लेते हैं। आमीन, दोस्त बोले आमीन। लेकिन आपको यह पता है कि खुदा भी हमें अपने कलाम में से बहुत सी ऑफर्स देता है, खुदा भी हमें अपने कलाम में से बहुत सी डील से मुतारफ कराता है, खुदा भी हमें बहुत से पैकेजेस देता है जिसमें हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बल्कि ज्यादा पैकेजेस, एक है फायदे ज्यादा हैं, फायदे ज्यादा हैं। सो बहुत दफा हम उन ऑफर को नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनका ध्यान नहीं देते उन पर, क्योंकि हम समझते हम जानते बहुत दफा इंसान का मसला यह है, ज्यादा इंसानों का जहां चीजें मुफ्त मिलती है ना लोग जाते हैं कि नहीं जाते, ऊंचा बोले ये 50-50 है ना, बहुत दफा मुफ्त चीजों को लोग लेना नहीं चाहते हैं, है ना, लेते भी है कुछ लोग लेने नहीं चाहते, और लेकिन जब जहां पैसे देने की बात आती है ना, वही चीजें जब आपको पैसे देकर और मिलने के लिए ऑफर की जाती है, हम कर्जा लेके, हम कर्जे लेके उन चीजों को लेने की कोशिश करते हैं, खुदा में मुफ्त देना चाहता है और हम कर्जे लेके उनको लेना चाहते हैं, और ऐसा है, ये सच्चाई है। खुदा हमें ऑफर देता है, खुदा की हर एक ऑफर, खुदा की हर एक ऑफर मुफ्त है, हमें कलाम में लिखा है उसकी सारी नेमतें मुफ्त हैं, लेकिन बहुत दफा हम खुदा की नेमतों को मुफ्त लेना नहीं चाहते, और वही चीजें वही बातें जो कोई और पेश करे तो हम क्या कहते हैं, हम पैसे दे के हम लेना चाहते हैं, खुदा हमें मुफ्त देना चाहता है। आमीन, उसे बोले आमीन, फिर बोले आमीन, उसे बोले आमीन। मेरी ये दुआ है इस साल ना, सिर्फ इस ईद पर नहीं बल्कि आने वाले सब दिनों में, कि खुदा हम सब की आंखें खोले ताकि हम खुदा की फ्री ऑफर को भी कबूल करें, फ्री ऑफर कबूल करें, मुफ्त ऑफर कबूल करें। आमीन, उसे बोले आमीन। So, मैंने कहा था ईद फसा इंसान के दो मसलों का हल पेश करती है। सो आज शाम खुदा मुझे और आपको अपने कलाम में से अपनी इस ऑफर को हमारे सामने रखना चाहता है। दो मसले, बुनियादी मसले, इंसान के मसले जिनसे इंसान कोशिश के बाद भी अपनी मर्जी से, अपनी कुव्वत से, अपनी हिकमत से, अपने वसाइल से, अपने शोर से रिहाई नहीं पा सकता है, लेकिन खुदा इंसान के उन मसलों को हल करना चाहता है, और ईद फसा पर खुदा ने उन मसलों का हल किया है। आमीन, आमीन। क्या को बताएगा कौन से मसले हो सकते हैं,
वो कौन से मसले हो सकते हैं, कौन कौन से मसले हो सकते हैं, इंसान के बुनियादी मसले वो कौन से हो सकते हैं, कोई भी कह सकता है आप, हाँ जी कौन से हो सकते हैं, कौन से मसले हैं जिनको खुदा ईद फसा के मौका पर हल करता है, हाँ जी कौन से मसले। वैसे तो हम सब मसलों में गिरे हुए हैं, मसला दर मसला, मसला दर मसला, हम मसलों में गिरे हुए हैं, चाहे वो चर्च है चाहे वो दूसरे लोग हैं, हम मसाइल में गिरे हुए हैं, हम मसाइल से आजाद नहीं हैं, लेकिन तो भी ईद फसा पर खुदा हमें या इंसान के दो बुनियादी मसलों से उसको रिहाई देता है। आमीन, उस बोले आमीन, उस बोले आमीन। सो अगर आपने गौर से पढ़ा है, मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ दो मसलों का, और मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली दो मसले जो इंसान के बुनियादी हैं और जिनका हल खुदा ने ईद फसा पर किया है, मैं उनकी बात करने वाला हूं। सो क्योंकि ईद फसा यहूदी त्यौहार था, ये खुदा ने मूसा से कहा जब इसराइली को हम कहां पे मिस्र में थी, और मिस्र में उसे 400 साल हो गए हैं, इस सारी स्टोरी से वाकिफ है, दोहराने की जरूरत नहीं है। और 400 साल बाद जो अब्राहम से खुदा ने कहा था मैं 400 साल बाद तेरी नस्ल को एक मुल्क से रिहाई दूंगा जिसकी वो गुलामी करेगी, उनको सजा भी दूंगा और मुल्क से उनको निकालूंगा और एक और मुल्क में जो वादा की सरजमीन है उसमें ले जाऊंगा। वक्त पूरा हो गया, उस वादा की तकमील का वक्त पूरा हो गया, और खुदा ने मूसा को जो झाड़ी में जलती झाड़ी को देख रहा था, खुदा ने कहा मूसा मूसा, उसने कहा मैं हाजिर हूं, मेरे पास आ, जूती उतार, ये प्रोग्राम है, मेरे लोगों को निकाल मिस्र से, गुलामी के घर से निकाल और उनको वहां ले जा जहां दूध और शहद की। खुदा हमेशा अपने लोगों को दुखों की जगह से निकालकर खुशी की जगह ले जाता है, खुदा हमेशा अपने लोगों को मुश्किल की जगह से निकालकर आसानी की जगह ले जाता है। आमीन, खुदा हमेशा अपने लोगों को गुलामी के घर से निकालकर आजादी के घर में लेके जाना चाहता है। आमीन, हम खुदा को इल्जाम मत दिया करें, खुदा के पास जो प्रोग्राम है खुदा के पास अच्छा प्रोग्राम है। आमीन, खुदा के पास खुशहाली का प्रोग्राम है। आमीन, खुदा के पास बीमारियों से रिहाई का प्रोग्राम है। आमीन, खुदा के पास गुलामी से आजादी का प्रोग्राम है। मूसा सरेंडर करता है ना चाहते हुए भी, स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, और मूसा एग्री हो जाता है, और खुदा मूसा के वसीला से मिस्र के अंदर अजाइब दिखाता है, क्योंकि फिरौन नहीं मानता कि मैं नहीं जाने दूंगा, तो खुदा मूसा से कहता है अब मैं अपने लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल कर ले जाऊंगा। आमीन, उस बोले आमीन। सो बिलाकर एक रात खुदा मूसा से कहता है आज के बाद फिरौन तुमको जाने देगा, क्योंकि मैं मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और मैं मिस्रियों के पेलोटों को इंसानों के और जानवरों के हो मैं उन सबको मारूंगा और इसराइल के पेलोटों को जिंदा रखूंगा। लेकिन तुमने करना क्या है, तुमने करना यह है सब खानदानों को कह दो, इसराइल के सब कबीलों के सब खानदानों को कह दो, हर खानदान एक बर्रा एक यक्षाला नर बर्रा ले और उसको दसवीं तारीख तक रखे ले ले और फिर उसको रख छोड़े और चौदहवीं तारीख तक रखे और चौदहवीं तारीख की शाम को वो बर्रा सिबा किया जाए, बर्रा सिबा किया जाए और फिर उस बर्रे का खून जो है वो तुमने हर घर के चौखटों पर लगाना है और उसका गोश्त आग पर भून कर खाना है।
آمین. اس والے آنے ہیں کڑوے ساگ پات کے ساتھ. یہ خدا کی طرف سے انسٹرکشن تھی موسیٰ کو, تو نے اسرائیل کو بتانا ہے کہ برہ ایسا ہو, برہ کو رکھنا ہے, برہ کو اس دن اس شام ذبح کرنا ہے, اس کا خون دروازوں پر لگانا ہے, اس کا گوشت اندر بیٹھ کر کھانا ہے, آگ پر بھون کر کھانا ہے, اور اگر کوئی اس میں سے بچ جائے چیز تو کیا کرنا ہے, اس کو آگ میں جلا دینا ہے. تو یہاں پہ ہم نے غور کیا ہے برہ اور برہ کا گوشت اور برہ کا خون ہے. آمین. اس بولے آمین. اور آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ مصر کے اندر ہے اور مصر غلامی کا گھر ہے, اور مصر اور فرعون جو ہے اس ملک مصر پر فرعون بادشاہ ہے, اور مصر میں اسرائیلی اپنی مرضی سے آئے تھے. از اٹ رائٹ بادی صاحب؟ ان کو جب قحط بڑھ گیا تھا ہے نا, تو وہ اپنی مرضی خوراک لینے آئے تھے, اور پھر وہیں بس گئے کیونکہ یوسف وہاں پہ تھا, بس گئے وہاں پہ. اب وہ اپنی مرضی سے آئے تھے, اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے, لیکن اب جو وہاں پہ بادشاہ ہے وہ ان کو جانے, کیونکہ وہ مصر میں غلام تھے. دے آر سلیو ان ایجپٹ. وہ غلام تھے اور مصر کا بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی غلامی سے نکل جائیں. غلامی, اب غلامی سے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو لے جا. موسیٰ فرعون کے پاس گیا, خداوند کی ملاقات ہم سے ہوئی ہے, اور اس نے کہا میرے لوگوں کو, اس نے کہا میں کسی خدا کو نہیں جانتا, میں عبرانیوں خدا کو نہیں جانتا, اور میں انہیں جانے کیونکہ یہ میری رعایا ہے, یہ میرے لوگ ہیں, میں بادشاہ ہوں, یہ میرے ملک میں رہتے ہیں, اب ان پر میری حکمرانی ہے, اور کون دوسرا بادشاہ ہے جو ان کو مجھ سے لے کر جانا چاہتا ہے, میں ان کو آزاد نہیں کروں گا. یہ مصر میں غلام ہیں, فرعون ان پر حکمران ہے, مصر غلامی کا گھر ہے, اب یہ بے بس ہے, اب یہ لاچار ہے, اب یہ مایوس ہے, کیونکہ بادشاہ جس کے ملک میں یہ 400 سال سے رہ رہے ہیں اب وہ ان کو جانے نہیں دے رہا ہے. سو ان کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ ان کو غلامی میں رکھنا چاہتا ہے. دے آر سلیو. وہ غلامی میں ہے, ان پر ظلم بھی ہو رہا ہے, وہ زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں, تو بھی اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتے ہیں. ان کا مسئلہ غلامی ہے, وہ غلامی میں ہے, مصر میں فرعون کی. انہیں اس غلامی سے رہائی کی ضرورت ہے. آمین. اس بولے آمین. اونچا بولے آمین. اور خدا کے پاس ان کے اس مسئلے کا حل ہے. آمین. آج جتنے بھی, آج بھی جتنے غلام ہیں, چاہے وہ انسانوں کے غلام ہیں, چاہے وہ ابلیس کے غلام ہیں, خدا کے پاس ان کی غلامی سے رہائی کے لیے خدا کے پاس حل ہے. آمین. اونچا بولے آمین. سو خدا آفر دے رہا ہے اسرائیلیوں کو موسیٰ کے وسیلہ سے, وہ تمہیں رہائی دینا چاہتا, نکالنا چاہتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے فرعون اکڑ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے اب میں اپنے زور بازو سے نکال لاؤں گا. آمین. اس بولے آمین. پریس گاڈ. لیکن خدا نے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے. اور مسئلے کا حل کیا ہے جو خدا نے ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے پیش کیا ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہر خاندان ایک برہ لے اور برے کو رکھے 10ویں تاریخ تک, اور پھر 14ویں تاریخ کی شام کو برہ ذبح کرے.
वरना ज़िबा करे। हर खानदान अपने हमसाये के साथ मिलकर, जिनके खानदान के अफराद कम है, अपने हमसाये के साथ मिलकर फसा का बर्रा ज़िबा करे। कई लोगों ने प्लान किया कि इस ईद फसा पर वो अपने हमसाये के साथ मिलकर ये ईद सेलिब्रेट करेंगे। हाउ मैनी, कितने किया? ऊंचा हाथ करें। तो खुदा हमें ये ख्याल दे रहा है, खुदा हमें ये ख्याल दे रहा है कि इस ईद फसा पर हम हर साल ईद फसा सेलिब्रेट करते हैं और अपने ही घरों में अपने ही खाने बनाकर आप खाते हैं और शायद दोस्तों को बुलाते हैं, लेकिन इस साल खुदा ये कह रहा है मुझे और आपको, आओ हम इस ईद को मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन अपने हमसायों के साथ मिलकर मनाएं। हमें उसे बोले हमें, हमारे हमसाये इस साल भी वो रमजान में से गुजर रहे हैं। सो क्या खुदा ये नहीं चाह रहा कि हम अपने हमसायों को दावत दें, या हम उनको भी अपनी इस ईद में ऑफर दें कि वो हमारे साथ मिलकर ईद करें? आमीन, बस बोले आमीन। सो खुदा ने मसले का हल पेश किया और मसले का हल क्या? बर्रा, बर्रा, बर्रा कुर्बान करो, उसका खून चौकटों पर लगाओ। और उन्होंने वैसा ही किया। सब सुने गौर से, आप बर्रा का खून दरवाजों पर लगाया और बर्रा का गोश भून कर खाया। आमीन, उस बोले आमीन। सो इंसान का पहला मसला सब सुने गौर से, गुलामी है। गुलामी से रिहाई के लिए खुदा अपना बर्रा पेश करता है। क्या कहता है यूहन्ना? कहता है देखो ये खुदा का ये तशबीहन बर्रा है जो मिस्र के अंदर है, और ये तशबीह है। कलाम अली क्या है? शरीयत में जो चीजें हैं वो अक्स है आने वाली चीजों का। सो ये बर्रा अक्स है किसका? हकीकी बर्रा का। आमीन, जो आने वाला था वो अक्स है, शेडो है। वो बर्रा जो मिस्र में कुर्बान किया जा रहा है और ये बर्रा जो कुर्बान किया जा रहा है, ये इंसान के इसराइल के मसले का हल है। और इसकी तस्वीर नए आदमा में यीशु मसीह नासरी है। आमीन, बस बोले आमीन। सो पहला मसला गुलामी से, क्या? गुलामी से, बोले गुलामी से। सो खुदा इसराइल को मूसा के वसीला से ये ईद पैकेज दे रहा है, ऑफर दे रहा है, बर्रा लो और बर्रा के अंत जब बर्रा ज़िबा करोगे उसके खून को लगाना है, खून को लगाना है और गोश्त खाना है। खून लगाना है गोश्त, सब बोले खून लगाना है, गोश्त खाना है। फिर बोले खून लगाना है, गोश्त खाना है। तो बोले आमीन। साहब अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने खून लगाया, बर्रा ज़िबा किया, खून चौकटों पर लगा दिया और अंदर बैठकर गोश्त खा लिया। और फिर क्या हुआ? आधी रात को खुदावन गुजरा, आधी रात को खुदावन गुजरा और फिर क्या हुआ? लेकिन खुदावन के गुजरने से क्या हुआ? लेकिन बादशाह के तख्त से लेके वो औरत जो चक्की पीसती है, हर घर में जहां जहां पे लोटे थे जानवरों के, इंसान सारे मारे गए। और उस रात फिरौन चीख उठा, पूरा मिस्र चीख उठा, उसने कहा इनको जाने दो। लिसन लिसन लिसन, ये रिहाई की रात है और रिहाई की रात में एक काम हुआ है। और काम क्या हुआ है? बर्रा ज़िबा हुआ है, बर्रा, और बर्रा का खून और बर्रा का गोश्त इस्तेमाल हुआ है। आमीन। अब उस खून के लगाने से सबसे ने गौर से, उसी रात जिस रात बर्रा ज़िबा हो गया है, खून लगा लिया गया है, गोश्त खा लिया गया है और फिरौन से हुक्म जारी होता है, मूसा को बुलाओ। मूसा आया आधी रात को और फिरौन के घर में, उसने कहा मेरे सामने से सब को निकाल कर ले जाओ।
सबको ले जाओ. इज द फर्स्ट टाइम फिरौन ने मूसा को इजाजत दी कि सब इसराइली जो गुलामी में है उन सब को मैं रिहाई देता हूं. वो सब आजाद किए जाते हैं, वो सब आजाद किए जाते हैं और वो सब को मिस्र से निकाल कर ले जाओ. इंसान का मसला गुलामी और दूसरा मसला इंसान का मसला बीमारी. क्या है? बीमारियां. इंसान का मसला गुलामी, इंसान का मसला गुलामी जहां पर वो कैद हैं और फिर उनके बदन में जो बीमारियां, ये मसला इंसान का. और जब उन्होंने, सबसे गौर से, जब उन्होंने खून लगाया और गोश्त खाया तो हुआ क्या? मैंने बताया आपको, वो सारे उस रात मिस्र की गुलामी से निकल गए. और फिर दाऊद अपने जबूर 105 में फरमाते हैं, वो कहते हैं, सब सुने गौर से, और इसराइल को, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया और उसके उसके कबीलों में एक भी बीमार आदमी नहीं था. There's no one. उनमें एक भी बीमार नहीं था. ओ, सबसे गौर से, listen, सबसे गौर से, जो बर्रा कुर्बान हुआ उस बर्रा के खून से उनको गुलामी से रिहाई मिली. और जब उन्होंने गोश्त खाया तो गोश्त खाया अपने घरों में बैठकर, और वो गोश्त खाया और उसी रात जब वो निकले तो दाऊद पर मुकाशफा ये जाहिर हुआ कि जब वो निकले 12 कबीलों में से 25,00,000 लोग निकले तो उन लोगों में से एक भी बीमार नहीं रह गया, एक भी कमजोर नहीं रह गया, एक भी लंगड़ा नहीं रह गया. वो सब के सब अच्छे हो गए. वो सब अच्छे हो गए, वो सब अच्छे तंदुरुस्त हो गए. आमेन. सो खुदा ने पैकेज, खुदा ने ऑफर की है. और ईद फसा पर बर्रा एक कुर्बान हुआ है और एक बर्रा के कुर्बान होने से गुना उनको गुलामी से रिहाई और उनको बीमारियों से. आमेन. उसे बोले आमेन. हकीकी बर्रा यीशु मसीह नासरी. सबसे ने गौर से, अब सबसे ने गौर से, यसाया कहता है, यसाया की किताब में लिखा 53 में लिखा है, उसने हमारी मुशक्कतें उठाई. किसकी? हमारी मुशक्कतें उठाई. उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया. वो हमारी बदकरदारी के लिए कुचला गया और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है. पालूस फरमाते हैं, पहला क्रंथियों में कहते हैं, हमारा भी फंसा हुआ है. और हमारा फंसा कौन है? ऊंचा बोले कौन है? हमारा फंसा कौन है? दो से बोले आमेन. उसे का हमारा भी मतलब क्या है? किसी और का भी फंसा है, हमारा भी फंसा है. जिसका, किसी और कौन? इसराइल, उनका फंसा हुआ था और उस फंसा ने उनको मिस्र की गुलामी से रिहाई दी है, उनको बीमारियों से रिहाई दी है. हमारा भी फंसा हुआ है. अगर हमारा भी फंसा है तो हमारे फंसा के बर्रा के वसीला से हमें क्या मिला है? गुनाह से रिहाई मिली हमें. आमेन. लेकिन वो आप हमारे गुनाहों को सलीब पर अपने बदन पर लेकर सलीब पर चढ़ गया. आप हमारे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को, आपके गुनाहों को लेकर अपने बदन पर सलीब पर चढ़ गया और हमारी अबदी खलासी कराई. आमेन. पहला मसला गुनाह, पहला मसला गुलामी और गुलामी से रिहाई बर्रा के वसीला से, गुनाह से रिहाई बर्रा. हमें
यशाया कहता है उसने हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। उसने मेरी कमजोरी ले ली, उसने मेरी बीमारी उठा ली, और जो यीशु ने पहले से उठा लिया है और जो यीशु ने पहले से ले लिया है, आज मैं और आप क्यों उसको अपने बदन में लिए हुए हैं, जिसका हल खुदा ने अपने बेटे यीशु, जो खुदा का बर्रा है 2000 साल पहले, उसका हल उसने बर्रा में रखा है। आज 2000 साल बाद मसीह क्यों उस बीमारी उस गुनाह को अपने ऊपर लिए हुए करा रहे हैं? मसला गुनाह, मसला बीमारी, और खुदा ने सब्स्टिट्यूट मुहैया किया है, और सब्स्टिट्यूट किया है बर्रा है, और बर्रा कौन सा है? खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिए। आमीन। पतरस कहता है उसके मार खाने से हमने, कौन कहता है उसने मार नहीं खाई है? हाथ खड़ा करे, उसे मार नहीं खाई, खाली है? बोले खाली है या नहीं खाई? 2000 साल पहले, अगर मेरा ईमान और आपका ईमान इस बाइबल मुकद्दस पर है कि उसने 2000 साल पहले कलवरी के कल जाने से पहले उसने यरूशलम के अंदर उसको एक कम 40 कोड़े लगे, और बाइबल कहती है उसके मार खाने से हमने शिफा ये नहीं पाएंगे, हमने शिफा पा ली है। सो पैकेज किया है, ऑफर किया है, ईदे फसा, दो मसलों का हल, बुनियादी मसला गुनाह, गुनाह मसला है जो खुदा से जुदा कर देता है। यानी यीशु मसीह दरमियानी आया और लेके उसने बाप और हमारी सुलह करा दी है, हमें अपने खून से जुदाई खत्म कर दी है, हमें जुदाई की दीवार को गिरा दिया है, हमें और उसके मार खाने से उसके बदन पर एक कम 40 कोड़े लगे, और उन कोड़ों के वसीला से हमने शिफा पा ली है। यशाया कहता है कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया है? जो ईमान लाता है वो शिफा पाता है, हमें जो ईमान लाता है वो गुनाहों से माफी पाता है, हमें क्योंकि बर्रा ने हमारे गुनाहों के लिए खून भी बहा दिया है और हमारे शिफा के लिए मार भी खा ली है। कितने बीमार हैं आज? ऊपर हाथ करा, खड़े हो जाए जो बीमार है। कितनों ने अभी तक यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया? ना डरने की बात है, ना शर्म की बात है, खड़े हो जाए। आज का कलाम आपके लिए है, अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया, खुदा के बर्रा पर ईमान नहीं लाए हैं कि वो बर्रा मेरे गुनाहों के लिए उसने खून बहाया है, तो ईदे फसा मनाने का कोई मकसद नहीं है। अगर आप यीशु पर ये ईमान लाते हैं कि उसके मार खाने से मेरी शिफा का उसी वक्त उसने ऐलान कर दिया था, खुदा हमारे मसलों का हल देता है, और हल किस में है? हल उसके बेटे यीशु मसीह नासरी में है, आमीन, जो फसा का बर्रा है, आमीन, जो फसा का बर्रा है, और फसा के बर्रा के खून में गुलामी से रिहाई है, फसा के बर्रा के मार खाने से हमें शिफा मिली है, आमीन, बोले आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु आपके लिए उसे खून बहाया है ताकि आप अपने गुनाहों से रिहाई पाए? कि आप ईमान रखते हैं कि यीशु ने इसलिए मार खाई है ताकि आप शिफा पा जाएं? आमीन। आर यू
क्या ईमान रखते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं? आज खुदावंद यहां मौजूद है, वो बर्रा आज जिबा होने के लिए नहीं है यहाँ पे, आज वो तख्त पर बैठा है, आमीन। और वो बर्रा वहां से अपनी शिफा और अपनी रिहाई को आपकी जिंदगियों के लिए जारी करने वाला है। वक्त मुझे और आपको अपनी जुबान से उस पर ईमान लाने की जरूरत है, इकरार करने की जरूरत है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और मुझको रास्त बात ठहराने के लिए मुर्दों में से। हालेलुया। आज हम दुआ करेंगे आपके लिए जितने बीमार हैं। मैं ईमान रखता हूं कि इसी दे फसा पर, क्योंकि बर्रा कुर्बान हो चुका है हमारे गुनाहों के लिए भी और हमारी बीमारियों के लिए भी मार खा चुका है, आमीन। इसलिए अब कोई बीमारी या गुनाह हमें रोक नहीं सकता है कि हम उस ऑफर को अपनी जिंदगी में कबूल ना कर सके, आमीन। कोई इब्लीस रोक नहीं सकता है कि हम उस ऑफर को ले ना सके जो खुदा ने जारी कर दी है हमारे लिए, आमीन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, प्रेज गॉड, सब खड़े हो जाए। और आज खुदावंद आपको एक नया जोर देने वाला है, नया जोर। जो बीमार हैं, जो बीमार है मेरी बात सुने, और मैंने बताया आपको मसलों का हल बताया है। बर्रा के खून में गुनाह और गुलामी से रिहाई है, और बर्रा के मार खाने से हमारे बदन शिफा पा गए हैं, हमें लेट्स रिसीव करें अपनी शिफा को, रिसीव करें बर्रा से, अपने हाथ उठा ले बर्रा से, रिसीव करें शांदर बरा 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 बरा। मेरी बात सुने गौर से, खुदा नहीं चाहता उसके बच्चे बीमार रहे हैं, इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए अपना बर्रा कुर्बान किया है। अपने बर्रा को उसने पेश किया और उसको मार पड़ी है, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, आमीन, आमीन। अब कुछ नहीं है लगता मुझे, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? पलूस कहता आओ हम ईद करें। So, ईद गम में नहीं की जाती, ईद खुशी में की जाती है, क्योंकि ईद खुशी का नाम है, हमें क्यों ईद हम करते हैं ताकि हमें हम खुशी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बर्रा और उस कुर्बान होने से हमें क्या मिला, हमें निजात मिली है और हमें शिफा मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया, नारे बोलो हालेलुया, 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 बर्रा की तारीफ हो, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अगर हम गीत गए सूली चढ़े बगैर, सिर्फ चंद आयतें गाएंगे फिर उसके बाद हम एक रस्म करने वाले हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदर बरा 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 बरा, शंदर बरा 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 बरा। खुदावन की मेज तैयार है, किधर गए हैं भाई तैयार करने वाले? हाँ जी, ले आओ फिर। प्रेज गॉड, आज हम खुदावन की मेज के पास भी आएंगे, जिस तरह यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा सेलिब्रेट की, उस तरह हम भी इस फसा में शरीक होंगे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जमा किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस फसा को लेना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दुआ करना शुरू हो जाए। आज के बाद कोई ये ना कहे मुझे शिफा नहीं मिली, यीशु आपको शिफा देने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि उसने शिफा के लिए मार खाली है, खून बहा दिया है, मार खाली है, खून बहा दिया है गुनाह के लिए, मार खाली है शिफा के लिए। सूली चढ़े बगैर खलासी, यस जीसस, मुहार बरा 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 बरा, लग जाए दुआ में बुलंद आवाज से, गैर जबानों में जैसे भी दुआ करते हैं, शुक्र गुजारी। महान थी यीशु तेरे बगैर, यीशु तेरे बगैर
चढ़े बगैर खलासी महान यस मास्टर हालेलुया इंसान की शरीर में शामिल गुनाह था इंसान की शरीर में शामिल गुनाह था यसु तेरे बगैर यसु तेरे बगैर खलासी मुहाल थी सूली चढ़े बगैर खलासी मुहाल थी ताली बजाकर एक अंदर सूली चढ़े बगैर खलासी मुहाल थी हो सूली चढ़े बगैर खलासी मुहाल थी यसु तेरे बगैर यसु तेरे बगैर खलासी मुहाल थी बगैर खलासी मुहाल थी सूली चढ़े बगैर खलासी मुहाल थी यस इंसान की शरीर में शामिल गुनाह था इंसान की शरीर शामिल गुनाह था बेअब के बगैर खलासी मुहाल थी बेअब के बगैर खलासी मुहाल थी यसु तेरे बगैर यसु तेरे खलासी मुहाल थी सूली छड़े बगैर खलासी मुहाल थी सूली छड़े बगैर खलासी मुहाल थी मुमकिन हुई नजात मसीहा के खून से मुमकिन हुई नजा मसीहा के खून से दिवसी मने बगैर खलासी मुहाल थी हालेलुया दिवसी मने यसु तेरे बगैर यसु तेरे बगैर खलासी महान थी जोर से ओ पिया तेरे बगैर खलासी महान थी सूली चढ़े बगैर खलासी महान थी सूली चढ़े खलासी महान थी खलासी महान थी थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू होली स्पिरिट आई दुआ करें सब सुने मेरी बात गौर से जो बीमार है सिर्फ ये दुआ करें और दुआ के कलाम के साथ मुत्तफिक हो जाएं
उसने मेरी बीमारी ले ली है, उसने मेरी कमजोरी ले ली है, उसने मेरी कमजोरी ले ली है, उसने मेरी बीमारी उठा ली है। सबके जो बीमार हैं वो कहें यीशु ने मेरी कमजोरी ले ली है और यीशु ने मेरी बीमारी उठा ली है, यीशु ने मेरी कमजोरी ले ली है, यीशु ने मेरी बीमारी उठा ली है। अब मैं बीमार नहीं हूं, अब मैं बीमार नहीं हूं, यीशु ने मेरी बीमारी ले ली है। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, चैनल में दुआ, चैनल में दुआ करें, चैनल में दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। खुदा ने अपना बेटा पेश कर दिया है, खुदा ने हमें ऑफर दे दिया है, ऑफर यीशु मसीह है, ऑफर खुदा का बर्रा है, और बर्रा के खून में हमारा गुनाह का कफारा है, बर्रा के मार खाने में हमारी शिफा है। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. I am खुदावंत की मेज के पास आने वाले हैं। मेरी बात सुने गौर से, आंखें खोलें सब। मुझे नहीं पता आप ईशा में किस तरह शरीक होते हैं, जब भी होते हैं, लेकिन आज ये जो ईशा, ये बदन यीशु मसीह का बदन और यीशु का खून है, और जब आप इसे लें और अपने बदन में ये बदन आपके अंदर जाए और आप इसे खाएं, आप इसे पिए, तो आज के बाद खुदावंद आपको ये कह रहा है कि इस बदन के मार खाने से आपने शिफा पा ली है, और इस शीरा जो यीशु के खून की नुमाइंदगी है, इसके आपके गुनाह मुआफ हो गए। आमीन। तो शुक्रगुजारी से आपने आज हिस्सा लेना है, और जब आप ले तो शुक्रगुजारी से भर जाएं कि यीशु ने मेरा गुनाह भी ले लिया और मेरी बीमारी भी ले ली है। आमीन। और ये ईशा आज जब मैं इसे लूंगा तो मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। आमीन। मैं बीमार, मेरी बीमारी दूर हो गई है। आमीन। मेरी कमजोरी दूर हो गई है। आमीन। ये जुबान से अपनी इकरार करना है। आमीन। तो उसे बोले आमीन। पलू कहते मैं ईमान लाया और बोला। आमीन। स्वयं आज जब लें तो इसे बोलना शुरू करें कि खुदा ने मुझे शिफा दे दी है, मैंने शिफा पा ली है, मेरी कमजोरी दूर हो गई है। आमीन। आइए हम दुआ करें। जिंदा आसमानी बाप, हम इस शीरे के लिए, इस रोटी के लिए बरकत चाहते हैं, और ये तेरे खून और तेरे बदन की नुमाइंदगी है, और जिस तरह यीशु तू कुर्बान हुआ और तूने खून बहाया हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, तूने मार खाई हमारी शिफा के लिए, और आज जब तेरे लोग ईमान से इसको लेते हैं तो बदनों के अंदर एक नया काम हो, बदनों के अंदर से बीमारियां निकल जाए, कमजोरियां निकल जाए, और बदन तरोताजा हो जाए, बदन जोरावर हो जाए, बदन तंदुरुस्त हो जाए, बदन आजाद हो जाए, और सारा जलाल बाप तेरे बेटे यीशु नासरी को मिल जाए। हम इस शीरे को बरकत देते हैं, हम रोटी को बरकत देते हैं, तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूं, ईमान से रिसीव करें और जिंदगी पाए, तंदुरुस्ती पाए, रिहाई पाए, शादमानी से मामूर हो जाए, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हम सब लोग बैठ जाए, जो तैयार है वो आना शुरू हो जाए। एल्डर साहब आ जाए सामने, एल्डर साहब आ जाए, एल्डर साहब जल्दी जल्दी आ जाए, पास्टर साबर साहब भी आ जाए, किधर है पादरी साबर साहब। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप यू जीसस। ईमान से, ईमान से आज आपने दिलेरी से आना है, खुशी शादमानी से आना है, जब आपने रोटी में शरीक होना है खुशी शादमानी से आना है। आमीन। हंसते हुए, गाते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, खुदा ने आपके मसलों का हल इस बदन और इस खून में है। आमीन। हालेलुया। ऊंचा बोलो। रोटी भी रखी है बाद से। यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए दिया गया, यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए दिया गया,
यीशु मसीह का खून जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया, यीशु मसीह का खून जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह का, आओ, यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए दिया गया, यीशु मसीह का खून जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। आमीन। प्रेज गॉड, आए और खुशी और शादमानी के साथ आए और खुदावन की मेज से, खुदावन की हजूर से अपनी बरकत को हासिल करें। हालेलुया। बार बार बहाल हो यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। बार बार बहाल हो यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हो यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो, धार धार बहाल हो यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। चेहरे से टपका
यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए धार धार बहाना हो यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने तार तार बहाना यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए बेकरार बहार यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा शिफा के लिए मेरी
शिफा के लिए बार बार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के सब खुदावन की शुक्रगुजारी करें जितनों ने मेज के पास आए शाय रुबानी में शामिल हुए वो शुक्रगुजारी करें। खुदावन का बंदा कहता है नामुनासिब तौर पर कोई भी शाय रुबानी में शामिल ना हो, इसीलिए बथेरे हम में कमज़ोर और बीमार हैं। इकरार करें, आए वो जाने इकरार करें जो नामुनासिब तौर पर शामिल होती हैं, क्योंकि इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में कमज़ोरियाँ हैं, बीमारियाँ हैं। इसीलिए आज हम कमज़ोर हैं, इकरार करें ताकि खुदावन हमें ज़ोर बख्शे, इन कमज़ोरियों पर हम ज़ोरावर हो जाएं। इकरार करें, अपनी अपनी ज़िंदगी का इकरार करें, सब जाने इकरार करें उसकी हजूरी में, उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी करें उसके मेज़ के पास आने के लिए कि उसने अपना फ़ज़ल बख्शा है, उसने हम पर फ़ज़ल किया है और हमें ये बरकत दी है कि हम उसकी मेज़ के पास आ सकें, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं कि हम उसकी मेज़ के पास आएं अपनी बदियों के वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से। तो भी उसने हमारे लिए फ़िदिया दिया, आज से 2000 साल पहले उसने निजात के काम को पूरा किया है, उसने हमारी खलासी कराई है, उसने हमें निजात दे दी है। हमने निजात को रिसीव करना है, हमने शिफा को रिसीव करना है अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपनी ज़िंदगियों से उसका इजहार करना है। सब जाने उसकी शुक्रगुजारी करें, सब लब उसकी हुजूरी में खुल जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन के तूने हमसे मोहब्बत रखी है, तो हमसे प्यार करता है।